तो यार गाइज ना, इस वीडियो को पूरा वॉच करना है आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। इसमें ना शहादुल्ला नगर मार्केट का पूरा सीन कैद है, पूरा का पूरा सीन कैद है। आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा यार। तो चलिए वीडियो को देखिए और इंजॉय कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हो अवध ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइज, अभी मैं उतरौला में हूँ और उतरौला से मतलब आज घर जाने वाला था, खैर कैंसिल हो गया, घर आज जा नहीं पाए। तो खैर चलो, आज यार लंबा टूर करते हैं, मतलब कि आज एक शहादुल्ला नगर मार्केट पड़ती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज चलो शहादुल्ला नगर मार्केट में आप लोगों को वहाँ का व्यू दिखाऊँ कि किस तरह से है। तो खैर चलते हैं यार शहादुल्ला नगर के लिए। और यार आज का जो मौसम है, काफ़ी ज़बरदस्त मौसम है। जिस तरह से कल मौसम था, उसी तरह से आज भी मौसम है। फिलहाल कल मौसम पूरा दिन बहुत ही अच्छा था यहाँ पर, और लगभग शाम को 4 बजे से 5 बजे तक यहाँ उतरौला में बारिश हुआ, जो कि आपको सीन दिखा रहे हैं। ये सीन मतलब शाम को जब बारिश हुआ था, उस समय मैंने रिकॉर्ड किया था थोड़ा सा, और उसके बाद में फिर पानी निकल गया, पूरी रात पानी नहीं गिरा। उसके बाद में फिर एक्चुअली आज बादल का मौसम है और मस्त मस्त मौसम है। तो इसी मस्त मौसम में चलो यार आपको घुमाते हैं शहादुल्ला नगर। और अब भाई हम बिल्कुल शहादुल्ला नगर के लिए निकल चुके हैं। खैर अब हम आ चुके हैं मध्यपुरी, एक छोटा सा चौराहा है और यहाँ से मुझे एक रास्ता मतलब इधर बगल के तरफ गया हुआ है, इस पर मुड़ जाना है। सीधे नहीं जाना है, सीधे अगर हम जाएंगे तो मानिकापुर को पहुँच जाएंगे। मुझे इस रास्ते पर जाना है, ये रास्ता बताते हैं लोग कि मतलब गया हुआ है शहादुल्ला नगर के लिए। घर का एरिया भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है बिल्कुल ट्रैवल करने में। और सड़क वड़क जो भी है, देख लो कितना अच्छा यहाँ मतलब बना हुआ है शहादुल्ला नगर के लिए। खैर एक रास्ता उधर से और जाता था, तो मैं उस रास्ते पर नहीं गया, क्योंकि मतलब ये वाला रास्ता थोड़ा नज़दीक बता रहे हैं लोग, इस पर बता रहे हैं 30 से 35 किलोमीटर के बीच में ये रास्ता पड़ जाएगा, और ये वाला रास्ता काफ़ी आसान है, और उधर वाला रास्ता करीब 40 के ऊपर पड़ जाता 40 किलोमीटर के। तो इसी कारण से मैं इसी रास्ते पर ट्रैवल कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं कोई बिजली विभाग का, यहाँ पर पावर हाउस हाउस पीछे बना हुआ है। यहाँ से एक भट्टा दिख रहा है, इसका सीन देख लो कितना लाजवाब सीन है, बड़ी मजा आ गया यार। और अभी यहाँ पर एक बोर्ड दिखा मुझे, तो शहादुल्ला नगर की दूरी यहाँ से 22 किलोमीटर लिखा था बोर्ड में, यहाँ से 22 किलोमीटर शहादुल्ला नगर पड़ता है। तो भाई ये जो हमारा गाड़ी है, हमारा साथ ज़बरदस्त तरीके से दे रहा है, मतलब कि ब्लॉगिंग करने में हमारी इस गाड़ी से मज़ा आ जाता है। इसमें जो चौक दिया हुआ है, मतलब चौक लेकर हम ब्लॉगिंग करते रहते हैं, बहुत ही अच्छा अब यहाँ से हमें ख़राब रास्ता तय करना पड़ रहा है, यहाँ से थोड़ा ख़राब रास्ता मिला है। ये देख लो कुछ गड्ढे मुड्ढे दिख रहे हैं अभी इसमें। और अभी आपको हम दिखाते हैं लोकहित इंटर कॉलेज, यहाँ पर मिला मुझे ये लोकहित इंटर कॉलेज है, काफ़ी अच्छा इंटर कॉलेज बना हुआ है। इधर देखो भाई, केले के खेती कितना ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। ये केला का खेती है, जो केला हम खाते हैं मार्केट में बिकता है, उसी का एक खेती हो रहा है यहाँ पर, और कितना ज़बरदस्त खेती लगा हुआ है। तो खैर अब हम आ चुके हैं दूसरा, ये है दूसरा मार्केट, और
और ये भी यार बड़ा मार्केट है, अभी आप देख लो जबरदस्त मार्केट ये भी दिख रहा है। इधर देख लो लाइन से दुकान वुकान सारे बने हुए हैं, और ये देखो काफी जबरदस्त दुकान यहाँ पर का सीन है। तो यार मैं जानता हूँ कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और आप वीडियो को आगे देखिए। ये देखो भाई कितनी भीड़ यहाँ पर है, और ये देख लो ज़बरदस्त मार्केट ये भी है, ये दूसरा मार्केट है और डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में ये मार्केट पड़ता है। चलो भाई खैर सादुल्ला नगर हम पहुंच गए हैं, ये सादुल्ला नगर है मार्केट, और इस मार्केट के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है यार, इस एरिया से मैं बिल्कुल अनजान हूँ। खैर आप लोगों के लिए विजिट कर दिए आज सादुल्ला नगर का, और उतरौला से करीब 30-35 किलोमीटर की दूरी पर सादुल्ला नगर पड़ गया। तो ये देख लो मार्केट कुछ इस तरह से है सादुल्ला नगर। यार मैं जानता था ना कि बहुत ही बड़ा मार्केट होगा, खैर अभी तो कोई बड़ा मार्केट दिखा नहीं, तो चलो यार देखते हैं। तो और यहाँ पर आ गए सादुल्ला नगर, ये सादुल्ला, यहाँ पर एक बड़ी सी मंदिर बनी हुई, काफ़ी अच्छा मंदिर है, देख लो। और एक गली इधर को गया हुआ है। लो यार सबसे पहले इधर का मार्केट देखते हैं कि किस तरह से है, अभी इधर का मार्केट में चल रहे हैं। तो ये इधर का मार्केट है, और ये देख लो मतलब दोनों तरफ दुकान है, और बीच में खैर रास्ता बना हुआ है। तो यार तो बड़ी लंबी मार्केट दिख रही है यहाँ से। हाँ यार वाकई में बड़ी लंबी मार्केट है, हम तो जानते थे कि छोटा मार्केट है यार, पर छोटा नहीं है यार, बड़ा मार्केट है। अभी देख लो बिल्कुल अभी गाड़ी चलाते जा रहे हैं, पर मार्केट ख़त्म नहीं हो रहा है, देख लो कुछ इस तरह से मार्केट दिखता है यहाँ का। खैर चलो बाहर ही गए हैं तो हम आपको पूरा ही मार्केट दिखा दें, अधूरा छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आपको हम पूरा मार्केट दिखा दे रहे हैं। अभी मार्केट ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म होता है वहाँ पर हम अपनी बाइक रोकेंगे। यार यहाँ तो रोड पर भैया बहुत पानी भरा हुआ है, ये देख लो यार कहीं गिर ना जाऊँ। खैर चलते हैं किसी तरह से, ये देख लो। तो बस यहाँ से शायद मार्केट, अरे वाह यहाँ से शायद मार्केट ख़त्म हो जाता है, और इधर भी थोड़ा सा मार्केट है। तो खैर अब यहाँ से मार्केट ख़त्म होती है, अब लौटते हैं उसी जगह पर जहाँ से स्टार्ट किए थे वीडियो को, हम फिर से उसी जगह पर आ गए हैं, और अब इधर का मार्केट आपको दिखाते हैं। चलो भाई अब इधर का मार्केट देखो किस तरह से है,
यार बारिश के वजह से इस सड़क पर कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गया है। ये देख लो मार्केट, और इधर भी मार्केट देख लो, बहुत अच्छा मार्केट है। आ गए हैं यार, तो आज पूरा मार्केट दिखा कर ही लौटेंगे आप लोगों को। ये देख लो कुछ इस तरह से मार्केट यहाँ पर दिखता है, और इधर भी सेम उसी तरह का मतलब दुकान वकान जो भी है दिखता है। खैर एक ट्राली वाला आ गया यार, थोड़ा दिक्कत कर रहा है मुझे ब्लॉगिंग करने में। तो ये देखो पूरा मार्केट भाई कितना ज़बरदस्त बड़ा मार्केट। चलो इधर दिखाते हैं, उसके बाद फिर इधर का मार्केट दिखाते हैं। वीडियो को एंड नहीं करना है भैया, आपको पूरा मार्केट दिखा देते हैं आज, क्योंकि तो बार बार आने को मिलेगा नहीं यार, तो बस एक बार में पूरा मार्केट दिखा दें तभी अच्छा रहेगा। खैर ये ट्रैक्टर वाला थोड़ा चला जाता है यार, तो शायद अच्छा होता। और यहाँ पर ग्रामीण बैंक, ये देखो यार दुकानें भी घर ख़त्म नहीं हुआ है, अब शायद ख़त्म हुआ है दुकान। ये देखो यहाँ से दुकानें ख़त्म हो चुकी हैं, अब यहाँ से घुमाकर गाड़ी फिर चलते हैं उस वाले जगह पर। और ये क्या है, थाना सहदुल्ला नगर दिख रहा है इधर, थाना सहदुल्ला नगर। तो खैर अब गाड़ी को घुमाते हैं, तो यार अब इधर वाले मार्केट पर चलते हैं, देखते हैं इधर कैसा मार्केट है। तो यार उसी तरह का सेम मार्केट इधर भी है, ये बस यार देखते रहो मार्केट, देखते रहो यार, और वीडियो को लाइक वाइक करते रहो यार। ये देखो फिर कीचड़ हो गया है मार्केट में, देख लो दुकानें उकानें यहाँ कुछ इस तरह से बना हुआ है, और यहाँ एक पेट्रोल पंप भी है। ये देखो देख रहा है HP, ये देखो कुछ इस तरह से पेट्रोल पंप का नज़ारा। तो यार यहाँ पर पानी बहुत भरा हुआ है, तो बस शायद ये सड़क उधर ही जाता है। और एक हॉस्पिटल भी है यार यहाँ पर, ये देखो कितना अच्छा हॉस्पिटल है, EAG हाशमी हॉस्पिटल, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, देख सुंदर का बहुत ज़बरदस्त है। और इधर ही HDFC का बैंक है, काफ़ी ज़बरदस्त बैंक है। HDFC का बैंक चाहे जहाँ रहे ज़बरदस्त ही रहता है। और इधर देख लो ये रोड शायद वही मार्केट में मिला हुआ है आगे चलकर, खैर चलते हैं वो उसी मार्केट में मिलते हैं भाई। और ये देखो इधर कुछ दुकानें बने कुछ इस तरह से बनी हुई है, तो भाई लगभग मैंने सहदुल्ला नगर के मार्केट को पूरा दिखा दिया आप लोगों को। इधर अभी इलाहाबाद बैंक बचा हुआ है, जो और लगभग का कुछ सहदुल्ला नगर का पूरा मार्केट हो चुका है यार, कहीं कोई कोना बचा नहीं हुआ है। तो अब एक अच्छा सा कहीं का एक थंबल खींच के उसके बाद में रिटर्न चलते हैं वापस। अभी यार वीडियो को इतना भी इतना करना नहीं है, थोड़ा सा वीडियो और बाकी है। तो यार गाइज अभी मैं हूँ यहाँ सहदुल्ला नगर में, और यहाँ से मनिकापुर की दूरी पड़ जाती है 21 किलोमीटर, और गोंडा की दूरी पड़ जाती है 52 किलोमीटर। तो यहाँ से गोंडा और मनिकापुर भी ट्रेवल किया जा सकता है। और इधर का मार्केट अभी आप देख लो कुछ इस तरह से दिखता है। तो अब इस वीडियो में इतना ही, आप सोच रहे हैं कि इस वीडियो को यहीं पर एंड करते, नहीं तो और बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है यार,
और वीडियो को पूरा वॉच करना है आप लोगों को। ये साहिबुल्ला नगर मार्केट जो है इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में पड़ता है। मतलब यार डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर कितना लंबा लंबा हो गया यार, बहुत दूर दूर तक हम जा चुके हैं और सभी मतलब जगहों पर डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर ही लगता है। तो खैर कोई बात नहीं है, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर नगर मार्केट पड़ती है। और इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को करते हैं एंड और फिर एक अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ यार कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना, और यार इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आप वीडियो को करते हैं जय हिंद।